होता है, इन्हीं गैर कांग्रेसवाद और गैर सांप्रदायिकतावाद को रोकने के लिए आज जो जनता दल यूनाइटेड में सर देवेंद्र सर जो आज हमारा उनकी पार्टी का विलय हो रहा है, मैं स्वागत करती हूँ और मैं शुभकामना देती हूँ कि जिस मकसद से हम एक प्लेटफॉर्म पे एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला वो मकसद कामयाब होगा और सेंट्रल में ना भाजपा की सरकार बनेगी ना कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि ना सांप्रदायिक सरकार बनेगी ना भ्रष्ट सरकार बनेगी, एक नई ताकत होगी, वो होगी समाजवाद की ताकत, गरीब गुरुओं की सरकार और विकास उन्मुखी सरकार। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक। अब मैं एक पसंदीदा समाज के अध्यक्ष हैं नसीम अहमद, एक मिनट के लिए बस समय। यहाँ पर मौजूद फतुहा से आए सभी भाइयों, फटोना मधुबनी जिला से, बिहार के विभिन्न जगहों से आए कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक महोदय, दोस्तों, फिर का ताकत तो कुचल देना है। अब मैं आश्वस्त करता हूँ कि पूरे बिहार का मुसलमान माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, देवेंद्र बाबू के नेतृत्व में एक एक वोट पर तमाम पसंदा मुसलमान जो है नीतीश कुमार के साथ है और 40 में 40 सीट बिहार से जिता करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है और माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब पूर्व पार्षद हैं और सोशलिस्ट धारा से जुड़े रहे हैं भाई रामेश्वर राय जी, क्या सर पूर्व MLC भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, समकक्ष महोदय और समक्ष महोदय, समय के अभाव में मुझे ऐसा करना पड़ा, यह अनुसरण करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। बाबू देवेंद्र प्रसाद हमारे MLA रहे, हमारे MLC रहे और हमारे MP भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज इस क्षेत्र के लोगों को और सही कार्यकर्ता को इस तकलीफ को से जो गुजर रहे थे, जैसे नाग का जो बनी कहीं गिर जाता है, कहीं मिस कर जाता है, नाग छटपटाते हुए घूमते रहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। यही बात मधुबनी जिला के उन्नतशील कार्यकर्ताओं में था, कोई कुरहन लेकर के विदा हो गए थे, कुल्हाड़ी लेकर, कोई कहीं चले गए थे, कोई तीर खोज रहे थे, कोई तीर के माध्यम से ये हो रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जब 1977 में वो विधायक बने तो कई विधायक ऐलान किए कि कर्पूरी ठाकुर, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के लिए तो इस्तीफा कौन करेंगे, तो बाबू देवेंद्र प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि मैं करूँगा। आज इनके साथ साथ दर्जनों लोग ऐलान किए, लेकिन अंत में सब बैठते गए, बोल करके चुप होते गए, लेकिन बाबू देवेंद्र प्रसाद को 1000 कार्यकर्ता घेरे हुए थे कि आप इस्तीफा नहीं करें, बड़ी मेहनत से इस सीट हम लोग जीते हैं। तो क्या अध्यक्षता कर रहे समाजवादी जनता दल डी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक समाजवादी नेता भारत सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ मंचा से बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय श्याम रंजन जी, यहाँ मंचा से ठीक 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 लोकसभा के माननीय सदस्य भाई बुद्धदेव चौधरी जी, यहाँ मंचा सिंह हमारे बड़े भाई और बाढ़ के लोकप्रिय विधायक सबका पक्षा से पहले बढ़े हैं, आदरणीय ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू जी, यहाँ मंचा सिंह बिहार विधान परिषद के पूर्व माननीय सदस्य रामेश्वर राय जी, यहाँ मंचा सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य
आदरणीय राम कुमार यादव जी, यहाँ मंटा सिंह, हम सबों के अभिभावक, आदरणीय डॉक्टर एसपी मंडल साहब यहाँ उपस्थित, जनाब हम सबों के अभिभावक, जनाब इदरीस साहब, हमारे जनता दल यूनाइटेड के मधुबनी के पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे मित्र भाई सत्येंद्र कामत जी, भाई संतोष सिंह जी यहाँ उपस्थित, पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर नवीन आर्जा जी, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी एवं उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, जनता दल यूनाइटेड के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और समाजवादी जनता दल डी के तमाम साथीगण, तमाम पदाधिकारीगण, साथियों समय बहुत कम है और
ऐसे जन समारोह में अपना विचार रखें। जल्दी देवेंद्र जी और साथ साथ देवेंद्र प्रसाद यादव जी, इसलिए मैंने नहीं कहा कि शुरू से आदत रही है देवेंद्र जी नहीं कहने की या देवेंद्र की, इसलिए मैंने देवेंद्र जी कहा और इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री साथी नीतीश कुमार जी इधर आ गया और आज यहाँ उपस्थित विजय कुमार चौधरी जी, श्याम रजक जी, ज्ञानो जी और बिहार के कोने कोने से आए हुए समाजवादी और जेपी आंदोलन में कार्य करने वाले मित्रगण, अभी देवेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आज का मिलन समारोह केवल औपचारिकता ही नहीं है, ये तो दिल मिले हुए लोगों का मिलन है और पहले से ही हम लोग लंबे काल तक काम एक साथ करने का हम लोग को मौका मिला है। देवेंद्र जी को तो उस समय से भी हम लोग जानते हैं जबकि जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से केवल मधुबनी और झंझारपुर दरभंगा के इलाका में नहीं बल्कि बिहार में इनकी सक्रिय भूमिका रही है और हाल के दिनों में भी समाजवादियों को जुटाने में, समाजवादियों को एक साथ करने में बराबर इनकी अहम भूमिका रही है। तो ये तो अपने घर आए हैं, ये तो उस घर में आए हैं जिसमें इनको पहले से आ जाना चाहिए, थोड़ा सा ही लेट थी लेकिन मौके पर आए हैं, लेट जरूर किए हैं लेकिन मौके पर आए और मौका पर जो आता है तो थोड़ा देर भी हो जाए तो उसमें कोई हद नहीं, उसके बाद अच्छा ही रहता। तो मैं पूरी पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं, उन चुनौतियों में भारत के भविष्य की परिकल्पना भी है और बिहार को आगे ले जाने के लिए संघर्ष भी छिपा हुआ है। हम संघर्ष करते रहे हैं बराबर, लेकिन हमारा संघर्ष व्यक्ति को आगे बढ़ाने का है, हमारा संघर्ष बुनियादी सवालों पर समाज में एक नई चेतना पैदा करने और बुनियादी सवाल को लेकर के जो चलना चल सकता है वही समाज का नेतृत्व कर सकता है, वही देश का नेतृत्व कर सकता है और उसके नुमाइंदा आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो हम तो विशेष बात नहीं आज के अवसर पर कहते हैं लेकिन इतना ही कहते हैं कि देवेंद्र जी यहाँ जब आप आए हैं तो आप महसूस